देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी ने पूजा अर्चना की। सोमवार के शुभ अवसर पर लालू प्रसाद ने देश के लोगों के लिए बाबा बैद्यनाथ से सुख शांति और समृद्धि की कामना की। देवघर बाबा मंदिर के तीर्थ पुरोहित ने बताया कि लालू प्रसाद यादव जन नेता हैं और सभी लोग उसे चाहते हैं। पहले भी कई बार बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में पूजा अर्चना कर चुके हैं। लंबे समय के बाद लालू प्रसाद स्वस्थ होकर पहली बार देवघर आए हैं। अच्छे से मंदिर में पूजा अर्चना कराया गया और हम लोगों ने बाबा से कामना किए कि वो इसी तरह स्वस्थ रहें। आगे उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद मंदिर की व्यवस्था से खुश हुए और देश के कल्याण के लिए बाबा से कामना किए। लालू प्रसाद यादव के मंदिर पहुंचते ही भारी संख्या में उनके चाहने वाले मंदिर पहुंच गए और एक झलक के लिए सभी ललाहित दिखे। लालू प्रसाद यादव के साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव, पूर्व मंत्री सुरेश पासवान, प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह, प्रदेश महासचिव संजय यादव के साथ सैकड़ों नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में पूजा अर्चना के बाद बाबा बासुकीनाथ के लिए निकल गए। बाबा बासुकीनाथ में पूजा अर्चना के बाद पुनः लालू यादव देवघर आएंगे और देवघर एयरपोर्ट से उड़ान भरेंगे। लालू प्रसाद यादव 10 सितंबर को देवघर आए थे, उसके साथ राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती भी साथ में आई हुई हैं। सुविधा से हो सके उन्होंने पूजा किया। आज उनका शायद नाती का जन्मदिन भी था, उसके लिए भगवान से प्रार्थना की, अपने स्वास्थ्य के लिए की और सब जगह हमारा भारतवर्ष कल्याणमय रहे, इस तरह की बात वो भगवान के सामने बोले। हम लोग भी कामना करते हैं सब दुनिया में जितने भी लोग हैं सब अच्छाई की ओर जाए, भगवान सबकी आस्था को पूर्ण करे। सारी दुनिया के लिए कामना करते हैं बाबा बैद्यनाथ से, अभी तो ये पूजा करके गए हैं, इनके लिए भावना हम लोगों का जो भी आते हैं सबके लिए रहता ही है और से इनका पूजा भव्य तरीके से। झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए बीकेडी न्यूज झारखंड के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें।